जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज भिडियो रही नवरात्रि समय यही दसटी संकेत दे थाए कि माँ दुर्गा आपण प्रति बहुत ही प्रसन्न अच्छा माँ दुर्गा आपण घर को मध्य आसी सारी संकेत जना पड़ता है माँ दुर्गा आशीर्वाद आपण को प्राप्त होगा जाऊँगी। फ्रेंड्स, नवरात्रि बहुत ही पवित्र अटे। यही नौ दिन में माँ को शक्ति समस्त संसार सकारात्मक ऊर्जा भरी दिंती। माँ को भक्त मैंने माँ को प्रसन्न करने विधि विधान पूजा पाठ कर। नवरात्रि नौ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए। यही नौ दिन में करा पूजार फल अवश्य मिली थाए कारण यही समय माँ धरापृष्ठ से भ्रमण करती भक्तों पर कृपा रखि था। किंतु आपण जानते कि यही नौ दिन मध्य जदि आपन को यही संकेत मिल जाए तेज बुझी जातु जे माँ आपण भक्ति रे बहुत ही खुशी अच्छा आपण को घर को माँ दुर्गा आगमन हो सारी आपण समस्त दुख कष्ट एवं माँ दुर्गा सब दूर करदे। बहुत जल्दी आपण जीवन में शुभ समय आसवाक जाऊँगी। यही संकेत मिलबार अत्यंत शुभ माना जाए। यही संकेत को आपण अणदेखा करूँ ना। तेज फ्रेंड्स, ये आसतु जाना से संकेत गुड़िक विषय जो संकेत मिल द्वारा माँ दुर्गा आपण घर को आगमन हो जापर तो से भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु और भिडियो गोटे लाइक करूँ ता कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय माँ दुर्गा निश्चय लिखतु। तेज चलत फ्रेंड्स, से संकेत मानक विषय जाणने तेज प्रथम संकेत हो बारंबार गोमाता आपण को घर को आसवा। नवरात्रि समय आपण घर को गोमाता बारंबार आसवा अत्यंत शुभ माना जाए। जो घरे माँ दुर्गा रही था घर को माँ बाहन कामधेनु माँ को सेवा करने माँ को दर्शन करने से घर को बारंबार घर द्वार मुह को आसी था। गौमाता से घर आखपाखे बुली था घर पाखर नौ दिन पर्यंत कुआडे जाती ना। तेब आप बुझी जातु जे माता राणी आपण घर को आसी सारी तो ही गौमाता मुंडे कुमकुम लगे दिंतु और गाई को किसी खावा को निश्चय दिंतु। यहाद्वारा माँ दुर्गा बहुत ही खुशी होता। तेज द्वितीय संकेत हो मऊमाछी घर को आसवा। फ्रेंड्स, मऊमाछी माँ रूप कहुए जो घर को मऊमाछी आसी था तेज आप बुझी जातु जे आपण घर को माँ दुर्गा आसी सारी कारण मऊमाछी को माँ दुर्गा स्वरूप बोली कहुए और मऊमाछी संपूर्ण स्वरूप को दर्शन करने को अर्थात नवरात्रि नौ रूप को दर्शन करने मऊमाछी आसी था। तेज आप बुझी जातु जे आपण घर को माँ दुर्गा आगमन हो सारी। तेज तृतीय संकेत होती अधिक जोर से जल्वा जदि आपण घरे माँ दुर्गा प्रसन्न करने भक्ति प्राप्त करने ज्योति स्थापित करके रखिंट जदि से ही ज्योतिर शिक्षा अधिक जोर से जल्वा को लगला तेज जाणिंतु आपण घर को माँ दुर्गा आगमन हो सारी। तो यही संकेत द्वारा जापर माता राणी आगमन आपण घर को हो सारी। तेज चतुर्थ संकेत हो नवरात्रि समय दीपर बती रे फूल पर अचानक फूल होगाक लगे तेज जाणिंतु आपण नवदुर्गा माँ बहुत प्रसन्न अच्छा एवं आपण माँ असीम कृपा पड़ुअ। तेज बुझी जातु आपण घर को माता राणी आगमन हो सारी आपण समस्त दुख कष्ट माता दुर्गा सब दूर करदे। तेज पंचम संकेत हो बारंबार कला पिंपुड़ी बा कला जंदा आपण घर को आसुंच घर कांथरे अंडा नहीं कि गोटे लाइन में जाऊँगी तले चलुंच तेज बुझी जातु आपण घर को माता राणी आगमन हो सारी माँ दुर्गा आपण सब इच्छा पूर्ण करने को जाऊँगी। तेज षष्ठ संकेत हो घर भितर को मन पसंद सुगंध आसवाक लगे जदि आपण घर को अचानक कौन फूलर सुगंध कौन भी मन पसंद बास्ना घर को आसे बा थंडा सुलसुलिया पवन घर भितर को अचानक माड़ी आसुए तेज बुझी जातु आपण घर को माँ दुर्गा आगमन हो सारी। तेज यही संकेत अनुसार आपण जापर जे माँ दुर्गा आपण घर को आसी सारी। तेज सप्तम संकेत फटा कपड़ा पिंधि जदि कौन गरीब व्यक्ति बा भिकारी घर को आसी था जाणिंतु जे माँ दुर्गा भिकारी बेस हो आपण घर को आसी। नवरात्रि मध्य जदि कौन भिकारी व्यक्ति आपण घर को आसी तेब खाली हाथ में छाड़ू ना कारण एमती माँ दुर्गा परीक्षा करने आम घर को भिकारी बेसरे आसी था। तेज से नवरात्रि समय कौन गरीब भिकारी असहाय लोक आपण घर खाली हाथ में छाड़ू ना कि खावा दिंतु आपण सक्षम अनुसार दान करूँ। तेज अष्टम संकेत जदि आपण निद
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସକାଳୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମାନାଯାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଠିବାର ମାନେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ମାନାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନମ୍ବର 9, ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଗଛଲତା ବିନା ପବନରେ ହଲିଯାଏ ତ ଏହି ସଙ୍କେତକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳିବାର କାରଣ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍କେତ କିଛି ଖାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ନମ୍ବର 10, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଂହ ଦେଖିବା। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଖାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସିଂହ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପେଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହେବାର ଅଛି, ତ ଏହା ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ଝିଟିପିଟି ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ କାରଣ ଝିଟିପିଟି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ସଙ୍କେତ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।